जी बात करते हैं थोड़ी सी बाबर आजम की। बाबर आजम भी जो हैं पाकिस्तान के यंग कैप्टन हैं और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। और एक खुशखबरी एक और है पाकिस्तानीज के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए और पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए कि बाबर आजम जो है ICC ODI रैंकिंग्स में जो है नंबर वन बैट्समैन हो चुके हैं। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, हम क्रिकेट लवर्स की तरफ से बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह वो जो है अपना और कंट्री का नाम रोशन करते रहें। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर बाबर आजम एंड PCB बोर्ड एंड द ऑल क्रिकेटिंग, जो सारे क्रिकेटिंग हल्के हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। क्योंकि विराट कोहली जो थे पिछले दिनों में, थोड़े से दिन पहले हमने बात कर रहे थे, विराट कोहली जो थे वो नंबर वन रैंकिंग में थे। अब बाबर आजम जो है 94 रन जिन्होंने थर्ड मैच में किए हैं उसकी वजह से उनकी रैंकिंग ऊपर हो गई है। विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पर स्टिल जो है रोहित शर्मा है। और मेरा ख्याल ये बाबर आजम की बेस्ट कैरियर बेस्ट जो है वो रैंकिंग है। और पाकिस्तान को इस सीरीज़ जीतने से जो है मैं बार बार यही बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स थे वो क्रिकेट देखना छोड़ चुके थे। और क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी ख़राब लग रही थी पिछले एक दो सालों में। लेकिन जैसे ही टीम की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, टीम सीरीज़ जीती है, ख़ास तौर पे ओवरसीज सीरीज़ जब कोई टीम जीती है तो उसकी कंट्री के लोग, उसके जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं, जो अकेडमीज़ में बच्चे हैं, उनको बहुत बूस्ट मिलता है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। वो अपने हीरोज़ को जब जीतता हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक जो है एक स्पिरिट जो है एक वापस आती है कि हमें भी इनकी तरह खेलना है, बाबर आजम की तरह खेलना है, हारिस रऊफ की तरह बॉल करना है और हसनैन की तरह बॉल करना है। मतलब कि उनके अंदर एक बहुत जस्तजू सी पैदा हो जाती है कि वाह हमें इस गेम को आगे लेके चलना है, खेलना है।